देख रहे हैं लखनऊ सिटी लाइव, मैं शाहिद रिजवी। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। उत्तर प्रदेश जो बदहाली से जूझ रहा है, चिकित्सा की बदहाली, शिक्षा की बदहाली, पानी की बदहाली, बिजली की बदहाली और कानून व्यवस्था की बदहाली, बेरोजगारी की बदहाली, आज उत्तर प्रदेश की जनता इन तमाम परेशानियों से त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है और वो सारी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुकी है। एक उम्मीद की नई किरण आम आदमी पार्टी के रूप में अब उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आखिर उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती? आखिर उत्तर प्रदेश के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं मिल सकता? फ्री पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? स्कूल एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए क्यों नहीं हो सकते? एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, वो सब कुछ जो दिल्ली में सुविधाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों नहीं मिल सकती? सीसीटीवी लगा के महिलाओं की सुरक्षा का जो इंतजाम दिल्ली में है, वो यूपी में क्यों नहीं हो सकता? और इन तमाम बातों को पूरा करने के लिए, इन तमाम उम्मीदों के साथ, आकांक्षाओं के साथ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ रही है और आज इस बात का ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता की ओर से बधाई देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को कि उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पूरी पार्टी के ओर से हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पूरी पार्टी मेहनत से जनता की आकांक्षाओं पर, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर एक नई परिवर्तन की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को अब उत्तर प्रदेश में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। जय हिंद।